नमस्कार, मैं मानसी राजपूत और आप देख रहे हैं Now 24x7 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान में हर दिन लगातार बच्चे बदतर होते जा रहे हैं और इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में मौजूद भारतीय दूतावास में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों को भारत वापस बुलाया जाएगा। तालिबान का लगातार वर्चस्व अफगानिस्तान की जमीन पर बढ़ता जा रहा है। तालिबान के लड़ाकू लगातार अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। बीते दिनों में अफगानिस्तान के 5 प्रांत की राजधानियों पर तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसलिए भारत इस मामले में किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता। अपने अधिकारियों को वो सही सलामत भारत बुलाना चाहता है। मजार ए शरीफ दूतावास से जानकारी मिली है कि मंगलवार शाम को एक स्पेशल फ्लाइट अफगानिस्तान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी और जो भी भारतीय आसपास है वो उस फ्लाइट से नई दिल्ली रवाना हो जाए। और 2 नंबर भारतीय दूतावास के द्वारा जारी किए गए हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद है। उन्होंने 2 नंबर जारी किए हैं जिसमें तुरंत भारतीयों को नई दिल्ली रवाना होने वाले भारतीयों को तुरंत अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर और अन्य जानकारी उन नंबरों पर व्हाट्सअप करनी होगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पे तालिबान ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। राजधानी काबुल समेत कुछ अन्य स्थानों पर ही अफगानी सरकार एक्टिव है। एक तरफ तालिबान बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सरकार को इस बात का डर है कि कहीं तालिबान की ओर से भारतीयों को निशाना ना बनाया जाए। कुछ हफ्तों पहले एक खबर आई थी कि भारत के एक पत्रकार जिनका नाम दानिश सिद्दीकी था, उनकी तालिबानियों ने हत्या कर दी थी और यही कारण है कि भारत इतनी सतर्कता बरत रहा है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल Now 24x7 न्यूज़।